ऐतिहासिक शोभा यात्रा के साथ हजारों की संख्या में श्रीराम भक्तों ने जय श्रीराम के उद्घोष से स्वर्ण नगरी को गुंजायमान कर दिया। मरुभूमि जैसलमेर में आज ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सुबह से ही न केवल शोभा यात्रा में भाग लेने वाले वरन पूरे शहर को जनता भी बड़ी संख्या में उत्साहित नजर आई। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं मैं, और बहुत ही उत्साहित पूर्वक लग रहा है ये रैली में। इतने उत्साह से बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरतें, सब जने इन्हें अच्छे से भाग ले रहे हैं। मुझे भी बहुत ही उत्साह पूर्वक ये पर्व लगा, और ये मैं एक सूत्र में बांधता है, इस पर्व से हमें ये हिंदू मुस्लिम जो भी अन्य धर्म की जो भावनाएं हैं वो एक तरफ दिखती है और सर्व धर्म एकता दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें इस रैली के अंदर सभी धर्म के लोग इस रैली का स्वागत कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ये जो भी भ्रम फैल रहा है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के लिए, वो इसको मिटाने के लिए ये रैली बहुत अच्छी साबित होगी। और इससे आगे अब क्या कहूँ, ये रैली ही आप देख ले सकते हो इसके अंदर कैसे लोग स्वागत कर रहे हैं, कैसे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो पूरे जिले वासियों को मैं मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं, और आज का जो दिन ऐतिहासिक, आज से पहले मैंने जिंदगी में इतना उत्साह नहीं देखा। जो छोटे छोटे बाल बच्चों में सब में इतना उत्साह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ भगवती हम विनती करूं कि वो साल शुभ रहे, सबके लिए शुभ गुजरे, और इसी ढंग का माहौल और खुशी लोगों में बनी रहे, भाईचारे की भावना जैसलमेर में बनी रहे। यहाँ शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसलमेर एक सद्भावना का शहर है, इसमें हिंदू और मुसलमान हर त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। जब मुसलमानों का 12 वफात का त्यौहार आता है तो हिंदू भाई भी दिल खोल कर स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में आज मुस्लिम समाज रमजान का महीना होने के बावजूद भी रोजे की हालत में सब यहाँ आकर तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं रामनवमी की।